Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing a little game. Yeah, I promised you guys that I will go for gold rig in the next video, but we have some unfinished business. So first of all, where we want to go is somewhere else, not here. It is like right around this merchant here. So from this place you probably go this way. Why am I going this way? Let me show you. I already told you that there are some unfinished business that we are going to do. So one thing I learned from my previous videos that there are churches here. So you will find some churches. So when you find a church or churches, you just so when you find some church or churches, you go in, you will get some secret tier. That secret tier will in turn help you. Oh, how do I get there? That is a mystery. इसके लिए नहीं आया हूँ भाई, इसको तो इसके लिए नहीं आया मैं। नीचे कुछ है, ये देखो नीचे वैसा टाइप का एक है जो घूम रहा है, उसको ऐसे मारना पड़ेगा। ये ले लेता हूँ क्योंकि ये फास्ट है। वो सूट घुमाते घुमाते ही मर जाऊंगा मैं, मतलब भाग जाएगा ये। तो ये सब लेना भाई, जब भी तुमको दिखे, दिस आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट। टाइम में ये उठ के मेरे को स्मॉल्डरिंग बटरफ्लाई, अभी आसपास भी देख लेता हूँ। ये सब मतलब पहले कर लेना चाहिए। बॉडी वॉडी तो बहुत बाद में आता है, मैंने तो ड्रैगन वैगन मार दिया है, बहुत कुछ कर लिया, ये सब उससे पहले करना था। मतलब तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि करना जो करना पड़ेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो।
ऐसे जगह में फंस गया ना। लेकिन अपन भी वैसे ही है, पेड़ों आदमी। अभी ये जो पानी है, इस पानी में तैर तो नहीं पाऊंगा मैं।
crushing and ripping through a pulp. I've lost grace, Erika. अच्छा ये समझ नहीं पूरे क्या एक काम करता हूँ भाई
और ये छोटे छोटे मंगे को पहले मार देना। मैं पहले मेरे को नहीं पता था, इसलिए मेरे को ये लोग बहुत मारा। रिटर्न टू एंट्रेंस, ये अच्छा है, दूसरा वाला ये, कि दूसरा एंड था क्या? मेरे को भी वही लग रहा था कि भाई मैं तो आया था उस तरफ से। भाई साहब एक सेकेंड दूसरा एंड था तो दूसरा, ये दूसरा जगह पहुंचाएगा ना मेरे को। एंट्रेंस नहीं जाना है, ये ही साइड जाना है मेरे को। आई वांट टू चेक, अरे किधर गया? नहीं सच में यार, ये मेरे को पहले मेरे को अच्छा ही लगता था ये गेम। मेरे को लगता था क्या गेम है ये कहाँ जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन भाई थोड़ा धीरे धीरे तुम जब खेलोगे ना, तुमको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। और इतना कितना इंटरेस्ट लगेगा फिर बाद में तुम छोड़ ही नहीं पाओगे इस गेम को। मैं तो अभी दिन में ही 2-3 घंटा खेल लेता हूँ ये गेम, सिर्फ यही गेम खेलता हूँ 2-3 घंटा। ये केव का दूसरा पार्ट, दूसरा साइड है। देखो यहाँ पे ग्रेस भी है, ग्रेस पार्ट भी है। रेस्ट कर लेता हूँ ग्रेस पार्ट में। गोल्डन सीप नहीं है, सीक्रेट टीयर भी नहीं है। सर्च ऑफ ड्रैगन कॉमिंग में, अबे यहाँ पे अच्छा ये दूसरा वाला है, इसमें क्लॉ और फायर ये तीनों मिलता है, उसमें ज्यादा मिलता था। आसपास एक ड्रैगन हो सकता है भाई, आसपास 100% एक ड्रैगन हो सकता है। मेरे को तो लग रहा है आसपास ड्रैगन है, घूमने से है, घूमने से तो भगवान भी मिल जाता है। ड्रैगन तो ऐसे ही बहुत बड़ा चीज है, बहुत दूर से दिखेगा। एक ड्रैगन मारने के बाद अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि तुम फिर ड्रैगन ढूंढोगे मारोगे ऐसे हो जाएगा। फिलहाल नहीं मिला, लेकिन शायद आसपास ही है। बकरी को धक्का लगा तो बकरी साला पीछे पीछे घूमता है मारने के लिए तुमको। ये तो वही है, ये वाला नहीं, दूसरा बकरी मेरा पीछा कर रहा था। बकरी भी नहीं छोड़ेगा तुमको, मतलब बना के रखा है भाई। मतलब सबको तुम्हारा दुश्मन है, कुछ स्पेसिफिक कुछ छोड़ने सब दुश्मन है। फिलहाल तो मैं उस साइड नहीं जा सकता, पानी के रुकते मिल जाऊंगा। इसे पानी बहुत गहरा है, देखो हम लोग उससे उस साइड से घुसे थे, इस साइड से निकले। मैं सोच ही रहा था ना कि इस साइड जाऊंगा, इस साइड कैसे जाऊंगा, तो केव के अंदर से ही तुमको जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। अरे यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके भी निकल सकते हो, ऐसा बात नहीं है।
रहा था और कुछ सोच नहीं आया है इसका। सी है ये सी दिखा देता हूँ, ये सी साइड वेंस के यहाँ हम लोग जो पहली बार आए थे तब किसी ने हम लोग को वार्न किया था कि भाई यहाँ पे एक ड्रैगन रहता है, वो आग बोलता है, जला कर आग कर देगा, इसको अवॉइड करना। ये एनपीसी यहीं पे था है, लेकिन अभी ये एनपीसी इधर नहीं है, पता नहीं कहाँ चल रही है एनपीसी। ड्रैगन को मतलब मारने के बाद ये भी गायब हो गया, फाइट चल रहा
का था ना ड्राइंग रूम, मैं सही जगह पे आया हूँ कि नहीं वो नहीं पता मुझे। पीछा कर रहा मेरा वहां से, ये तो गिर गया मुझे पता नहीं। डेटा ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मिलता है ये 12-13 करके दे रहा है, सारा मजाक कर रहा है मेरे साथ।
के लिए धन्यवाद है क्या? मैं आया इधर से था
इसके लिए सोमवार स्मिथिंग स्टोन्स ही चाहिए, और ये नॉर्मल स्मिथिंग स्टोन से यही अपग्रेड हुआ। और स्मिथिंग स्टोन चाहिए इसके लिए, छः चाहिए दो में। स्मिथिंग स्टोन तो ऐसे मिलता नहीं है, फिर भी अभी इसका डैमेज 128 प्लस 42 है, ब्लड लॉस है 45, इससे फिर भी ज़्यादा है, इससे डैमेज थोड़ा सा कम है, लेकिन एफपी कॉस्ट देखो इसकी 16 है, बहुत ज़्यादा एफपी कॉस्ट है। इसीलिए एफपी कॉस्ट है भाई, ये अगर मार्क करके करूँगा ना मैं भाई डैमेज देगा, एकदम असली वाला डैमेज देगा। फिर भी मेरे को मतलब डेवलप करने का तो हुआ ही नहीं अभी, और इधर डैम यूज कर सकता हूँ। वेट ज़्यादा है लेकिन इसका क्वालिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा है, वाइटलिटी ज़्यादा देता है, सब कुछ ज़्यादा देता है इससे। देखो भाई मैं मतलब पहले तो आया नहीं था, अभी आ रहा हूँ तो यहाँ पे रात को ये वाले ग्रेस से रात को निकल के अगर तुम इस साइड पे जाओगे तो मुझे जो दिख रहा है सामने वो लगता है एक बॉस है। इसका रेंज एक बार देखता हूँ, ठीक है, मार तो दूंगा, मारने में क्या रखता है, इसका रेंज भी ट्राई करना है। ये बॉस है, 100% बॉस है ये। नाइट्स कैलरी सही, घोड़ा लेके ही इसको मारना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसका मैं बस रेंज देख रहा था, इस तलवार का अच्छा रेंज है, रेंज अच्छा है, डैमेज थोड़ा कम है, अभी तो बढ़ाना है डैमेज बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
साथ में आना है। यही तो बात है, मैं सोच रहा था कि इधर और कोई नहीं होगा, लेकिन सारा रात में अलग अलग बॉस निकलता है इधर से। वो वाला वहाँ पे मर्चेंट तो नहीं, वो कुछ सोल्जर का वो था, जगह था, वहाँ पे भी रात को अलग बॉस निकलता है, यहाँ पे भी रात को अलग बॉस। उसको मैं दिखाऊंगा डैमेज किसको बोलते हैं, द डेफिनेशन ऑफ डैमेज आई विल शो दैट फॉर हर। आजा सीधा आजा, बस तीन हीट मारा है। सब लग क्या रहा है, घोड़ा को लग रहा है क्या? क्यों नहीं बचेगा भाई? अरे मेरा क्यों बोल गया, एनिमी फेल मत बता, एनिमी क्या रहे हैं, रिपीटिंग थ्रस्ट। अबे रिपीटिंग थ्रस्ट मेरे को मिल चुका है पहले भी, एक ही चीज देते हैं क्या बॉस लोग? मैं वापस चलता हूँ, ये नाइट बर्नल नाइट बर्नल के यहाँ रात में जाओगे तो यहाँ पे एक बॉस आता है, सिर्फ रात को ही आता है। देखो ये आ गया बॉस, thank you.
सोच के खेलना पड़ेगा, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। इतना रेंज मैंने किसी भी बॉस में नहीं देखा पहले। और एक हिट में सारा मेरा पूरा हेल्थ खा जाता है। इसको एक एक हिट मारो और दूर दूर जाओ। नाइट बर्नॉल, ये बर्नॉल मतलब जले में लगने वाला बर्नॉल नहीं है। सुबह ये बर्नॉल आ जाता है और रात को साला वो आ जाता है। अलग ही मतलब दुनिया है इन लोगों का। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे। इस जगह पे हम लोग पहले भी गया है, ये वे पॉइंट रूइंस। यहाँ पे कुछ छूट गया है, क्या छूट गया अभी तो जाके देखना पड़ेगा। इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम लोगों ने वो बॉस को मारा था। इधर ही था लगता है। अरे लगता है उधर से जाना था। इधर से जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता, मैं घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा सा। रुइंस में ही जाना है भाई, क्योंकि रुइंस में कुछ छुपा है, मतलब छूटा है। छुपा था ऐसे बहुत कुछ है। यही फ्लावर वाला मेरे को भी याद आया। ये फ्लावर वाले को हम लोग मारने आए थे यहाँ पे। ये कौन सा जगह है देखो? यहाँ पे बॉस है मेरे। एनिमी फिर से क्या हुआ भाई? यहाँ पे मिलेगा जो भी मिलेगा।
कौन है भाई, सीख कर लेता हूँ एक बार। ये तो कहीं नहीं जाने वाली शायद। Give a scroll. अच्छा ये बाद में दूंगा, पहले सीख लेता हूँ कुछ। ग्लिंगस्टोन पेपर फायर्स मैजिक मूव रिप्टल्स फ्रॉम ग्लिंगस्टोन्स फायर्स थ्री शूटिंग स्टार दैट परस्यूज फोर्स। ये बढ़िया है भाई, वाइटनिंग मैजिक और राइट हैंड आर्नामेंट विथ मैजिक डैमेज, ये वाला खरीदता हूँ 3000 रुपये अभी फिलहाल के लिए। हम लोग वापस आएंगे, इससे सॉर्सरी सीखेंगे, शायद ये यहीं पे रहेगी। तो हम लोग बाहर जाते हैं। तो मैं एक जगह में मरा मर गया था, वो गया नहीं वापस में, इसलिए वो मेरा वहाँ पे दिखा रहा है। ये फूल वाले तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे बिजली गिरने वाला है, अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं उससे, मुझे नहीं पता उससे क्या मतलब। उसने सही बोला, सॉसरी में अपन का कोई अभी मतलब कुछ नहीं हुआ। सॉसरी सॉसरी का एज भी नहीं पता मेरे को, है ना, क्योंकि हम लोग मैं तो मतलब मैं तो न्यू भी हूँ सॉसरी को लेके। मेरे को हाफ कुछ समझ में नहीं आता, सॉसरी तो अलग बात है। ये बैट्स का रहना ज़रूरी है सब जगह। ये सोर्ट से ना बैट को मारना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अबे सेफ क्यों ले रहा है पता नहीं, सब जगह तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। ओ यहाँ पे चेस्ट है, मैंने ये चेस्ट नहीं खोला, ये कैसे हो गया। अबे नीचे मत गिर,
हो गया तुम लोग, अब मैं खेलूँ थोड़ा सा। बददिमाग ज़्यादा अच्छे नहीं लगता मेरे को, थोड़ा ये बददिमाग था, इसको ठिकाने पे लाया इसका कल। और ये चेस्ट खोलूँगा मैं, डबल हैंडेड सोल्ड हमेशा पावरफुल होता है। ये तुमने अगर ब्लीच देखा होता तो तुम ये एक सवाल नहीं करते। ग्रेट एपे, क्या है ये ग्रेट एपे? ये है ग्रेट एपे 124 सोल्ड, बड़ा ही है, लंबा ही है वो, मेरा बड़ा वाला सोल्ड है जैसे। ये बढ़िया है, एकदम साइड में घूम के ही मारता है ये सोल्ड का, अच्छा लगा मेरे को। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, मुझे घूमना पड़ेगा। यहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं, जा रहा हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ से घूम के गया था मैं, नहीं 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 इधर नहीं आ रहा था भाई, ये तो जगह
जाना पहचाना था। कुछ है यहाँ से कूदूंगा तो मर जाऊंगा। यहाँ से पूछता हूँ, उधर से ऊपर जाने का भी रास्ता है। अच्छा हिट किया था लेकिन यहाँ पे साइड साइड में भी देख के चलो कि कोई यहाँ पे भी गुफा वुफा तो नहीं है। सम केव दैट इज लाइक वेल हिडन। Always search for this kind of places. वहाँ पे ब्राइट कलर का क्या जल रहा है भाई? क्या वही है क्या आग? ये ग्रेस तो मैं पहले भी आ चुका हूँ इधर, इसलिए रेस्ट ऑप्शन आता है अभी यहाँ पे। नहीं तो नॉर्मली ऑप्शन आता है टच द ग्रेस। यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन ढूंढने आया था, वो साला मेरे को मारने के लिए कहीं और बैठा हुआ था। लेकिन ठीक है, ये सब जगह भी एक्सप्लोर कर लिया। तो इधर देखने लायक लगता है वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि फिलहाल तो इधर कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। अभी यहाँ पे जो कुछ भी था वो तो मार के सुला दिया मैंने। ड्रैगन था यहाँ पे एक, पता नहीं यहाँ पे कहाँ क्या मिल जाता है, कभी कुछ भी मिल जाता है इधर, मतलब लैंडिंग में कभी भी कुछ भी मिल जाता है। और वो कुछ भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई विल
for that kuch bhi. Always. क्योंकि कुछ भी तो कभी नहीं मिलता है, तो हमेशा ढूंढता रहूँगा, तो कभी ना कभी जैसे ये वाला सोर्ड मेरे को मिला था उसको मारने के बाद, लेकिन मैं गलत जगह जा रहा था, गलत ये किसका लाश है भाई, वो याद है कि नहीं पता नहीं। इसके नीचे भी एक केकड़ा बैठा हुआ है, ये केकड़ा मेरे को परेशान कर रहा था जब मैं उस ड्रैगन से छुप रहा था पहली बार, केकड़े ने मेरे को मार दिया था। सारा केकड़ा चटनी बना के खा जाऊंगा केकड़े को, आराम से केकड़े का चटनी खाया है, देखनी जैसे बनाते हैं ना वैसे उसको बनाऊंगा पहले फिर खाऊंगा। ये तो लिमग्रिफ टनल्स, ये टनल के जैसे बंद है, एक प्रॉब्लम है सब टनल जैसे जगह में। गोल्डन रूल 4 मतलब इसका एटलीस्ट 1600 मिलेगा। ऐसे गोल्डन रूल जो भी चीज आपको मिले उसका लेवल जितना बड़ा उसका प्राइस भी उतना बड़ा। मैं तो इधर आ चुका हूँ, लग तो रहा है मैं बना चुका हूँ, हाँ बना चुका हूँ। ये लोग इतना आसान हो गया मारना, ये स्मिथिंग स्टोन देता है ये बुढ़ा लोग। लेकिन वो कुछ अलग ही जगह था, ये कुछ अलग जगह है, ये का पत्थर मार रहे थे। अरे ये क्या पत्थर मार रहे हैं, जरा देख सकते हो, ये ढीला फेंक के मारता है। ये सब जगह में हड़बड़ी नहीं करना है भाई, ये लोग ऐसे ही मार देता है आराम से, क्योंकि अभी शॉट का पावर है ना भाई, जब स्मिथिंग स्टोन मिला इस सीरीज, स्मिथिंग स्टोन मेरे को अभी चाहिए ना अपग्रेड के लिए। उस तरफ क्या है बाबू, उस तरफ से तुम्हें आया, लोग एक के बाद एक तीन आ गया भाई, हम भी एक है स्मिथिंग स्टोन, स्मिथिंग स्टोन अभी मेरे को जो चाहिए
एक्चुअली में मेरे को एक स्मिथिंग स्टोन चाहिए जो ये मेरा कर्ड सोर्ड को अपग्रेड कर पाए। उसके लिए मुझे 3 लेवल का चाहिए। तो 3 लेवल का जब मिल जाए तो मैं भाग लेने फिर और नहीं चले जाना। लार्ज ग्रीन स्टोन होगा ये इतना सा था जगह, इतना सा जगह को इतना डिटेल से ड्रॉ किया है। स्मिथिंग स्टोन 1 into 1 मतलब लेवल 1 का ही स्मिथिंग स्टोन मिला। चलो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड करने का भी टाइम हो गया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और अगले वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग जाएंगे वो गॉडरिक को मारने के लिए, सर गिडियन से कुछ था उसके नाम, लेकिन हो नहीं पाता ना हर टाइम। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, वीडियो में मैंने बॉस मारा है, बॉस फाइट हुआ है मेरे साथ, मैंने दिखाया बॉस फाइट, एक नहीं दो का बॉस फाइट दिखाया मैंने। तो उस तरफ से अगर सोचा जाए तो मिनी बॉस है, लेकिन फिर भी बॉस तो बॉस ही होता है भाई, मिनी है या माइक्रो। यहाँ से निकलना ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं निकलता हूँ मैं, बीच बीच में आप लोगों ने देखा कि इधर उधर टनल बना हुआ है, तो वो टनल्स भी एक्सप्लोरेबल है। मैं अभी यहाँ गया था इस टनल में, अभी बाहर आ गया हूँ, लिमग्रेड टनल्स गया था मैं। ऐसे टनल्स आपको दिखेगा बहुत सारा। ये शैक ऑफ द रॉटिंग है, ये जगह मैं जाऊँगा फिर। ये सेलम रुइंस है, इसमें भी एक बॉस होगा 100%। स्ट्रीट ऑफ सेज रुइंस, इसमें भी बॉस होगा। किलिट वेपन्स, इसमें भी कोई बॉस होगा। ये हर बॉस को अलग अलग से ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। ऐसे मिनी बॉसेस हैं, लेकिन बॉस तो बॉस होता है भाई। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।